नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के संक्षिप्त इतिहास। आखिर क्या है इसका इतिहास, चलिए जानते हैं दोस्तों। देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए उत्पन्न हुई थी। उन्हें हर देवता को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और अंततः देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन ही देवी महिषासुर का अंत कर दिया था। इस विजय को महिषासुर मर्दिनी का रूप जाना जाता है और इसी वजह से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों का पर्व होता है। इसमें 9 देवियों का समायोजन होता है, जो एक शक्ति का स्वरूप है, जो स्त्री का स्वरूप है, जो मानव समाज को स्त्री के प्रतिरूप का स्वरूप है। माता अम्बा जो हमारे समाज के लिए एक विचार का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।